ना ये तेरा मैटर है ना मेरा मैटर है, ये फैमिली मैटर है। बॉलीवुड में अगर कोई रीमेक फिल्म बन रही है तो ऑडियंस उसे पूरी तरह से रिजेक्ट कर रही है और बॉक्स ऑफिस पर वो फिल्में पूरी तरह से फ्लॉप होती जा रही है, जैसे कि पिछले हफ्ते रिलीज हुई ऋतिक रोशन की विक्रम वेधा। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ साउथ में भी रीमेक फिल्में बन रही है, लेकिन साउथ की ऑडियंस उन फिल्मों को सिनेमाघर तक देखने जा रही है और पहले ही दिन वो फिल्में बॉक्स ऑफिस पर करती जा रही है रिकॉर्ड तोड़ कमाई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इस हफ्ते चिरंजीवी और सलमान खान की फिल्म गॉडफादर सिनेमाघरों में रिलीज हुई है, जो कि एक मलयालम फिल्म लूसीफर का ऑफिशियल रीमेक है। लेकिन दोस्तों रीमेक होने के बावजूद भी यहां पर गॉडफादर फिल्म ने पहले दिन दुनिया भर से रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर ली है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गॉडफादर फिल्म के बजट और फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और जानेंगे फिल्म ने पहले दिन हिंदी और तेलुगु दोनों भाषाओं से कितने करोड़ रुपए कमा लिए। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि गॉडफादर फिल्म आप हिंदी में देखोगे या नहीं। तो दोस्तों मोहन राजा के डायरेक्शन में बनी एक्शन ड्रामा फिल्म गॉडफादर, जो कि मलयालम फिल्म लूसीफर का तेलुगु रीमेक है। अब आपको बता दो दोस्तों, फिल्म वैसे तो तेलुगु में बनी है, लेकिन फिल्म में सलमान खान का भी कैमियो है, जिसके चलते इस फिल्म को हिंदी में भी डब करके रिलीज किया है। हालांकि सलमान खान ने इस फिल्म का हिंदी में कोई प्रमोशन नहीं किया, उसके बावजूद भी फिल्म में सिर्फ सलमान खान के होने की वजह से फिल्म को हिंदी मार्केट में ठीक ठाक स्क्रीन मिल चुकी और फिल्म पहले दिन हिंदी मार्केट से एक डिसेंट कलेक्शन करने को तैयार है। लेकिन दोस्तों बात करें फिल्म के फर्स्ट डे कलेक्शन के बारे में, तो सबसे पहले जान लेते हैं फिल्म का बजट और रिकवरी। तो दोस्तों आपको बता दें कि गॉडफादर फिल्म का जो बजट है वो है 135 करोड़ रुपए। लेकिन दोस्तों फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होती उसके पहले ही एक अच्छी खासी कमाई कर चुकी थी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर गॉडफादर फिल्म के जो डिजिटल राइट्स थे वो बिके हैं 57 करोड़ में हिंदी और तेलुगु दोनों भाषाओं की। इसके अलावा फिल्म के जो सैटेलाइट राइट्स है यानी कि टीवी पे दिखाने के राइट्स, वो बिके हैं 45 करोड़ में हिंदी और तेलुगु दोनों भाषाओं के। साथ ही साथ फिल्म के दोनों भाषाओं के म्यूजिक राइट 15 करोड़ में बिक चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर गॉडफादर फिल्म के जो वर्ल्ड वाइड थिएट्रिकल राइट्स है वो बिके हैं 90 करोड़ में। यानी कि दोस्तों गॉडफादर फिल्म ने सिनेमाघरों में रिलीज होने से पहले ही अपने डिजिटल राइट, सैटेलाइट राइट और म्यूजिक राइट और थिएट्रिकल राइट्स से बेचकर टोटल रिकवरी कर ली है 207 करोड़ की। जी हाँ दोस्तों, फिल्म का बजट है 135 करोड़ रुपए, लेकिन इस फिल्म के प्रोड्यूसर फिल्म को रिलीज करते ही सभी राइट्स बेचकर 207 करोड़ की रिकवरी कर चुके हैं। अब आपको बता दें दोस्तों, इस फिल्म को हिंदी और तेलुगु दोनों भाषाओं में दुनिया भर के अंदर लगभग 2500 स्क्रीन पर रिलीज किया है। और दोस्तों फिल्म ने रिलीज होते ही पहले दिन तेलुगु स्टेट में जो ऑक्यूपेंसी ली है वो काफी कमाल की है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि फिल्म सुबह वाले शो से ही तेलुगु स्टेट में पूरी तरह से हाउसफुल है। ऊपर से रहा दशहरे का त्यौहार, तो त्यौहार होने की वजह से फिल्म के इवनिंग और नाइट शोज के बुकिंग भी काफ़ी सॉलिड हो चुकी है। तो जो रिपोर्ट अभी तक आई है उसके मुताबिक गॉडफादर पहले दिन सिर्फ तेलुगु वर्जन से लगभग 40 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन इंडिया में कर रही है। वही दोस्तों ये फिल्म अपने पहले दिन हिंदी मार्केट से यानी कि नॉर्थ इंडिया से लगभग 3 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन कर सकती है। वही बात करें ओवरसीज मार्केट की, तो दोस्तों यहां पर गॉडफादर फिल्म पहले दिन ओवरसीज मार्केट से 17 से 18 करोड़ रुपए कमा रही है। यानी कि टोटल जोड़े तो दोस्तों यहां पर गॉडफादर फिल्म का जो फर्स्ट डे वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन है वो हो रहा है लगभग 60 से 61 करोड़ का। जी हां दोस्तों, फिल्म पहले दिन दुनिया भर से 60 से 61 करोड़ की कमाई कर रही है, जो कि एक तरह से बंपर ओपनिंग है। अब दोस्तों फिल्म को ओपनिंग तो एस्टिमेट आंकड़ों के हिसाब से काफी अच्छी मिल चुकी है। अब देखते हैं कि फिल्म वीकेंड में क्या कमाल कर पाती है।